मेहनत क्या, मतलब काम तो जाना, मैंने ये नल्ली ऑर्गेनाइज की। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी उठाओ, मैं 10 बज रहे हैं सुबह के, थोड़े पहले उठाओ, बिल्कुल चाय वाय पीने बाद में घर जाऊँ सामान लेने। और यहाँ चल रही है साफ़ सफाई, घर की मम्मी कपड़े कमरे वमरे धो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। एंड क्लियरिटी भी आईफोन की अच्छी हो रही है, क्योंकि हमने आईफोन 6 ले लिया है, किसी से पुराना छोड़ा है, दिखाऊँगा वीडियो में, उससे क्लियरिटी अच्छी आ रही है। सो अब जा रहा हूँ बाहर में सामान लेने, और यहाँ पर रील वील बना रहा हूँ थोड़ी बहुत, देखता हूँ मौसम भी बढ़िया ही हो रहा है, सफाई चल रही है यहाँ पर भी। तो मम्मी धो रही है हमारा सामान कमरा, अब चलते हैं सामान ले जाते हैं। A few moments later. So guys, ये पैसे मिल चुके दुकान के लिए, और रास्ते गाँव रास्ते देखो पानी भरा पड़ा पूरे पे। अब जा रहा हूँ यहाँ सामान लेने के लिए। So guys, बहुत मुश्किल का रास्ता हुआ पड़ा यहाँ पे, डेली जाना पड़ता है कॉलेज भी स्कूल भी। A few moments later. So guys, वहाँ मुझे एक दिक्कत हो रही, बाबा ने मुझे दिए थे 260 रुपये, और वहाँ देखे निकले 250 रुपये, 10 रुपये कम पड़ गए। तो वो तो हमारे जानने वाले हैं, उधार कर देते हैं, तो वो 10 रुपये देने जा रहा हूँ मैं पैदल पैदल साइकिल पे, जैसे भी करता है। और क्या दोस्त से मिल लेता हूँ अपने यार, आज मिलूँगा सलाम से। अभी नहाया भी नहीं है, सोच रहा शाम को दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है तो रील शूट कर लूँ, उसके बाद फिर कल रात को क्लीन सेव कर लूँगा आज रात फिर। तो अभी वहाँ से वहाँ आ गया, और अभी मैं अपने फ्रेंड्स से बैठा हूँ अब्दुल के साथ, वही बहुत दिन बाद मिला मुझे। अब वापस जाऊँगा घर के अंदर, खाना खाऊँगा, फिर दोपहर में रील शूट करूँगा अकेले, एक रील शूट करूँगा मस्त यार, फिर उसके बाद ये सब लोग नहीं पैंट करके फिर नया ब्लॉग। A few moments later. So guys, अब मैं रील बना रहा हूँ अकेले, तो उसकी मेहनत क्या, मतलब काम तो जाना, मैंने ये नल्ली ऑर्गेनाइज की थी, यहाँ पे टेप लगा दी ब्राउन वाली, यहाँ वाइट वाली टी शर्ट ले रही, और ब्लैक दाढ़ी दबा दे रही है भाई, चश्मा यार बाहर बना रहा हूँ यहाँ धूप में अकेले। इधर ट्राईपॉड रखा है, इधर स्पीकर, एक फ़ोन दूध रही है म्यूज़िक बजाने के लिए, और मेरे फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी क्लैरिटी इस फ़ोन से ज़्यादा अच्छी है। एंड आईफोन की बराबर नहीं जा पाता, बट फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देता है ये वाला फ़ोन, जिससे बन रही थी फिल्टर लगा जाती तो और एक नंबर सीन कर देता है। और एक तो इतनी ज़्यादा धूप सी हो रही है, धूप में गर्मी लग रही है, ब्लैक शर्ट पहन रही है कि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है धूप का, तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फोन भी इतना नहीं खाना। तो अभी बस बनाता हूँ रील अकेले, मम्मी पीछे कमरे में कपड़े सेट में, मैं समय में यहाँ पर अकेला बस सारी रील्स अपने आप अकेले बनाता हूँ अकेले, क्योंकि नितिन तो भाई पूरे दिन बाहर रहता है, और कोई तीसरा बंदा है नहीं, अब किसी को बुलाऊँ तो इस वजह से थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, हाँ थोड़े बहुत फॉलोअर अच्छे से बढ़ जाए, तो फिर और बंदे आने लगेंगे साथ में वर्क करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो बनाते हैं रील अभी यहाँ। सोचा इस रील बनाते बनाते मुझे आइडिया आया, क्योंकि मैं बाहर रील शूट करा था, अगर तो काफ़ी बार रील शूट करी, सोचा उसे नया ट्राई करूँ, तो सोच रहा हूँ ये पूरा हटा ही दूँ, हटा भी दिया था इतना है टाट पट्टा पड़ेगी, मम्मी जरूर डाली कि हटा चुकी है, पर दोबारा लगा भी दूँगा रील शूट करके फिर लगा दूँगा, क्योंकि सनलाइट अच्छी आई ना, ये जाला सा है, जाले में सनलाइट आई बहुत अच्छी लगेगी रील के अंदर, फेस पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन सा पड़ेगा। अभी तो इतना हटा दिया यहाँ से आधा, और भी हटा देते भाई, फट रहे हैं, उठ रहे नहीं यार। बस इतना जाते हैं अभी हटा दो, सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारे यहाँ धूल उड़ती है, और ये मैंने ब्लैक शर्ट पहने थे, ये भी धूल में उड़ी उड़ी। हाँ देखो, ये देखो जाइए यहाँ पे इतना अच्छा झंडा सा रहा है, यहाँ से लाइट भी अच्छी आएगी, एंड यहाँ चेयर पे बैठ के बहुत मस्ती लगेगा रील के अंदर, तो बहुत अच्छा बन सकती है रील, देखते हैं कैसी बनती है यहाँ से। A few moments later. So guys, फाइनली मैंने रील शूट कर ली है, और वाकई में इतनी अच्छी रील बनी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे बन गए, और आज ये वीडियो कल आई, शायद कल ही डाल दूंगा मैं, कल या परसों में डाल दूंगा, बहुत ही मस्त लग रही है, हो सकता है मेरी वायरल हो जाए आप सबकी दुआ रही तो, एंड हो भी जाएगी जल्दी से जल्द। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ टाइम के अंदर ही किशाराम रील से मेरी अच्छे अच्छे फॉलोअर्स या अच्छी थोड़ा इंक्रीजमेंट हो लाइफ में, तो मैं जल्द से कोई छोड़ दूँ, मैं चढ़ गया मेरा मन पढ़ा थोड़ी है, बहुत मन लगता है, मज़ा भी आता है पढ़ने में, मज़ा आता है इसको, कोई लाइफ जीनी चाहिए बस, मैं जल्दी जल्दी फ्रेम मिले चाहे, क्योंकि ये दूसरे वाली चीज़ें नहीं चाहिए जो कॉलेज में होती है एज यू, तो शर्ट उतार देता हूँ, पहले ये पैक करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि
अभी मम्मी को पता भी नहीं है कि ये ओपन पड़ा है, और मम्मी को पता चल गया तो लड़ने बैठ जाएंगे मुझसे। तो अब जल्दी जल्दी से पैक कर देता हूँ, तरह से फील लाता हूँ, फिर छोड़ के चलता हूँ पैक। A few moments later. वैसे देख लीजिए यार, देखो यार कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, मतलब जब ये जाल लगा है पर देख क्या, यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, धूल मिट्टी अंदर रहती है, मम्मी को पता चला नहीं है। चलो मिलिए जल्दी से, ठोक देती हूँ, निकल लो यहाँ से, अंदर फिर सुनना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द जा देता हूँ, पहले स्ट्राइक और लगाता हूँ और तेजी में ठोक देता हूँ सारी चीज़ें। बड़ी मुश्किल लगी, गर्मी पसीने पसीने से बस काम चला हो गया, तो अब देखो कमरे में अंधेरा सा हो गया। अब रोशनी ये आई जहाँ पे लाइट आ रही है अच्छी सी, तो यहाँ पे तो नहा धो लेते हैं, इसे कह जाता हूँ बाहर, मम्मी तो उधर सो रही है, अगर तुरपाई जाके देखता हूँ। मम्मी चल रही है तुरपाई, अब मैं इस व्लॉग कहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अब एक्सरसाइज करूँगा, क्लीन सेव करूँगा, ये तय किया, फिर नहाऊँगा धोऊँगा, उससे बाद दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में आएगा सीन। तो कैसा लगा व्लॉग बता देना, और रील देख के जरूर बताना कैसे लगी, फिर बाद में वो जब अपलोड हुई तो इसके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा रील का, तो देख लेना, बहुत ही अच्छी रील लगी मुझे तो, आपको भी अच्छी लगेगी। एंड सो मिलते हैं आपसे, टिल देन स्टे ट्यून, जुड़ रहे हैं हमसे या हमारे चैनल से, कंटिन्यू व्लॉग डालते रहेंगे, देखते रहिए, गुड बाय, नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, बाय।